हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब फैमिली टेक्निकल सरोज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ थंबनेल कैसे बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और थंबनेल का इंपॉर्टेंस के बारे में बातें करूंगा। तो दोस्तों अगर थंबनेल की इंपॉर्टेंस की बातें करें तो थंबनेल जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ व्यूज होता है। जी हाँ दोस्तों, इसको जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ व्यूज के थ्रू आप लोग को देखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये जो है सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अगर आप व्यूज पाना चाहते हो अपने वीडियोज में, अगर आप यूट्यूबर्स हो या क्रिएटर्स हो, तो सबसे पहले आपका इफेक्टिव थंबनेल बनाना, आपको थंबनेल कट करनी आनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यानी कि थंबनेल को कैसे कैसी करें, कैसी थंबनेल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, और थंबनेल बनाना इतना इंपॉर्टेंस है जो है दोस्तों उतना की वीडियोज भी बनाना नहीं होता है। प्राइमरी सोर्स ऑफ व्यूज जो होता है आपका यूट्यूब पे, जी हाँ दोस्तों आपके यूट्यूब वीडियो पे वो थंबनेल होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अच्छा खासा ग्रो करना चाहते हो, अगर आप अच्छा खासा व्यूज पाना चाहते हो, तो आपको थंबनेल बनानी, इफेक्टिव थंबनेल बनानी आपके अपने चैनल पे बहुत ही जरूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके कंटेंट में कोई भी अच्छा सा कमजोरी भी है, अगर अच्छा सा वीडियोज भी नहीं है, अगर आप लाइटिंग कमजोरी है, आपके वीडियोज में लाइट नहीं है, तो भी आपका थंबनेल अच्छा रहना चाहिए, इफेक्टिव अच्छा रहेगा तो आपका व्यूज आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप थंबनेल जो है बनाना आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है और हम सारे यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही जरूरी होता है थंबनेल बनाना। तो वीडियो बनाना समय गवाए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे थंबनेल को बनाते हैं। सो लेट्स गो स्टार्ट। तो हम लोगों को सबसे पहले कैन मास्टर में आनी है। कैन मास्टर में आने के बाद हम लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है अपनी रेशियो, यानी कि एस्पेक्टेड जो रेशियो होती है एक थंबनेल के लिए, वहाँ पे आपके वीडियो के लिए, तो वहाँ पे हमको 16:9 का जो रेशियो होता है उसको सेलेक्ट कर लेनी है। हमको फुल स्क्रीन बनानी है यहाँ पे इफेक्टिव थंबनेल, तो 16:9 रेशियो को सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों को मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जैसे ही आएंगे उसके बाद हम लोगों को बैकग्राउंड पे जाना होगा। बैकग्राउंड पे आप लोग जैसे ही जाओगे आप लोगों को जो है बहुत सारे बैकग्राउंड देखने को मिलेगा, आप अपने अनुसार बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, और आप अपना जो भी कैटेगरी से रिलेटेड थंबनेल बनाते हो उस कैटेगरी से रिलेटेड, आप अगर येलो पे रेड वाइट जो भी ब्लैक एंड वाइट आप जो भी थंबनेल बनाना चाहते हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ब्लैक जो होता है एक स्टैंडर्ड थंबनेल के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो ब्लैक हम लोग सेलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड को। आज ब्लैक सेलेक्ट करने के बाद आज इस पे हम थंबनेल बनाते हैं। और इफेक्टिव थंबनेल, अलग अलग थंबनेल का जो है बहुत सारे कैची थंबनेल आप लोगों को, फोटो थंबनेल, ब्लैक एंड व्हाइट, येलो पील, येलो कैसे स्टैंडर्ड थंबनेल बनाते हैं, वो सारा वीडियोज अलग वीडियोज में आप लोगों को सेपरेट वीडियोज बना के दे दूंगा। तो आप लोग विजिट करके मेरे चैनल पर जो है देख सकते हो उस सेपरेट वीडियोज को, अलग अलग वीडियोज को। यहाँ पे हम ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उसके बाद हम लोगों को लेयर पे जाना है। लेयर पे जैसे ही आएंगे हम लोगों को यहाँ पे टेक्स्ट क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, टेक्स्ट जो कि आप लोगों को सेकंड लास्ट में है, तो टेक्स्ट पे आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखेगा, तो आप लोग यहाँ पे अपना जो टेक्स्ट लिख सकते हो। अगर बात करें यहाँ के लिखने की, तो अगर आपका वीडियोज किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे अपना लिख सकते हो। जैसे कि मान ले कि यूट्यूब का मोनेटाइजेशन कैसे होता है, या यूट्यूब मोनेटाइजेशन रूल इन 2020 2020 में यूट्यूब का मोनेटाइजेशन रूल क्या है, अगर उस पर टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियोज बनाए तो उस पर हम लोगों को क्या करनी है, सबसे पहले यहाँ पे लिख देनी है YouTube यूट्यूब। फिर उसके बाद हम लोगों को सेलेक्ट करनी है फॉन्ट। फॉन्ट सेलेक्ट करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले बहुत सारे फॉन्ट मिलेंगे, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे फॉन्ट सेट कर सकते हो। आपको कौन सा जो है फॉन्ट अच्छा लगता है देखने के लिए, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर ले। हम रोबोट बोल्ड सेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद टिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसको कलर का फिक्स करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम कलर जो होता है येलो करेंगे, क्योंकि येलो जो होता है एक स्टैंडर्ड कलर होता है, तो इसको हम जो ऑफिशियल कलर के लिए यहाँ पे येलो पे आएंगे। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करनी है इसको यहाँ पे, और अंदर वाले जो होंगे आप लोगों को राउंड, उसको राउंड के जो टिक होंगे उसको आप यहाँ पे रखेंगे तो गाढ़ा हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे 100% फॉन्ट देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जो इसको सेलेक्ट करके आप छोटा बड़ा कर सकते हैं एडिट करके, यानी कि आपका जो साइज़ ये छोटा रिसाइज कर सकते हो, तो यहाँ पे हम इतने रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके टच होल्ड करके इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको रख देते हैं। उसके बाद हम लोगों को क्या करने है कि सेलेक्ट कर देनी है ओके। उसके बाद हम लोगों को फिर से लेयर पर जाना है। फिर से लेयर पर जाने के बाद टेक्स्ट लिखनी है। टेक्स्ट पर लिखने के बाद यहाँ पर यूट्यूब मो MONETIZATION मोनेटाइजेशन RUL रूल इन 2020, यानी कि 2020 का जो YouTube मोनेटाइजेशन रूल है वो क्या है, तो यहाँ पे हम फिर से सेलेक्ट करेंगे फॉन्ट। फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद उसको करेंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे कलर को करेंगे सेलेक्ट। कलर मान लेते हैं कि अगर व्हाइट रखना चाहते हैं तो व्हाइट पे ही सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर येलो करना चाहते हैं तो येलो पे भी कर सकते हो, आपका मर्जी। तो यहाँ पे हम इसको येलो कर लेते हैं। येलो करने के बाद इसको जो हम फिर से रिसाइज कर लेते हैं, तो आप लोग देख रहे हैं कि ये लिखा गया है। तो यहाँ पे अगर बात करें YouTube की, तो यहाँ पे YouTube येलो दिखने में अच्छा नहीं लगता है, इसको हम जो है थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। इसको जो हम रेड पे रख लेते हैं क्योंकि रेड वाला अच्छा लगता है। तो
ये पिंक अच्छा है जी हाँ दोस्तों, तो इसी को हम रखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करें अगर नीचे की, तो यहाँ पे हम नीचे अपने अनुसार लिख सकते हैं, हम क्या क्या लिख सकते हैं जी हाँ दोस्तों। जैसे कि इफेक्टिव थंबनेल बनाना है तो यूट्यूबर मस्ट वॉच यहाँ पे लिख देते हैं, या फिर मस्ट वॉच MUST मस्ट। WAT मस्ट वॉच यूट्यूबर, या फिर मस्ट वॉच लिख के आप लोग को ओके कर देनी है। उसके बाद फिर से फॉन्ट साइज करनी है, फॉन्ट साइज करने के बाद आप लोगों को ओके करनी है। ओके करने के बाद फिर से इसका कलर चेंज करनी है, मान लेते हैं इसका जो कलर फिर से येलो ही रखेंगे तो येलो कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको छोटा बड़ा करके फिर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपका थंबनेल बन चुका है। यहाँ पे अगर आप इमेज लगाना चाहते हो तो आप अपना इमेज भी लगा सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को लेयर पे जाना है, लेयर पे जाने के बाद आप लोगों को मीडिया पे जाना है, मीडिया पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे अपने इमेज में जाना है। इमेज में जाने के बाद आप जो भी इमेज डालना चाहते हो आप अपना इमेज डाल सकते हो, यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद इसको रिसाइज कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे नीचे ऊपर जहाँ भी फिक्स करना चाहते हो, जहाँ भी आप लोग लगाना चाहते हो वहाँ अपना लगा सकते हो। उसके बाद आप लोगों को क्या करनी है, यहाँ पे अगर आप बात करें लेयर की तो फिर से लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद आप लोगों को अगर कुछ लिखनी है तो फिर से लिख सकते हो, या ओवर लेयर करनी है तो ओवर लेयर भी जा सकते हो, इफेक्ट करना है तो इफेक्ट भी जा सकते हो। वो सारा अलग अलग वीडियोज में बताऊंगा, एक ही वीडियोज में इम्पॉसिबल होता है सारा कुछ बताना। तो यहाँ पे फिर से टेक्स्ट में जानी है, उसके बाद स्माइल वाले क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप किसी भी स्माइल या क्राइंग या फिर आप लोग डालना चाहते हो तो आप लोग डाल सकते हो। यहाँ पे हम क्राइंग का जो ये लोगो होगा स्माइल वाला ये तो नहीं डालेंगे, तो ये डालते हैं जो इफेक्टिव रहता है। तो यहाँ पे इसको जो है रिसाइज करके फिर से इसको टच होल्ड करके आप छोटा बड़ा कर सकते हो। तो इस तरह से आप लोग जो है इसको भी सेट कर सकते हो, जिससे कि एक इफेक्टिव थंबनेल लगेगा जी हाँ दोस्तों। तो यहाँ पे जो हम डाल सकते हैं इसको, उसके बाद इसका दोस्तों अगर बात करें थंबनेल की, तो यहाँ पे हम लोगों को स्क्रीनशॉट खींच लेनी है। स्क्रीनशॉट जैसे ही खींचेंगे आपका जो मोबाइल फ़ोन में वो सेव हो जाएगा गैलरी में। उसके बाद आप वहाँ से एडिट करके उसको रिसाइज करके आप जो है अपना क्रॉप करके आप अपना इफेक्टिव थंबनेल को जो है थंबनेल का उसको चेंज कर सकते हो जी हाँ दोस्तों। और थंबनेल को कैसे चेंज करते हैं आप लोग को उसका सेपरेट वीडियोज मैंने बना के डाल दिया हूँ अपने चैनल पे, आप लोग वहाँ से जाके देख ले थंबनेल को कैसे चेंज करते हैं अपने किसी भी पुराने वीडियोज पे। तो यहाँ पे आप लोग को स्क्रीनशॉट इस तरह से खींच लेनी है, उसके बाद आप लोगों को अपने मोबाइल फोन में क्रॉप कर लेनी है। सो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आई तो लाइक से और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी इंप्रेस करना ना भूले, ताकि आपको इसी तरह से लेटेस्ट यूट्यूब से रिलेटेड हर एक जानकारी या A to Z जो है मिलती रहती है इस चैनल पे जी हाँ दोस्तों। और अगर आप यूट्यूबर्स हो क्रिएटर्स हो तो मैं आप लोग को मोटिवेट भी करता रहता हूँ इस अपने यूट्यूब चैनल पे जी हाँ दोस्तों। तो आप अपने यूट्यूब फैमिली टेक्निकल सूरज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी इंप्रेस कर ले। साथ ही साथ मुझे अगर प्यार देना चाहते हो सपोर्ट देना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें जी हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ाए और इस मेहनत को जो है कामयाब बनाए। अगर आप वीडियो यूट्यूबर्स बनना चाहते हो या क्रिएटर्स बनना चाहते हो इन फ्यूचर, तो आपको जो है सारे YouTube से रिलेटेड जो जानकारियां फ्री में मिल जाएगी। तो आप मेरे चैनल पे जाके जो है विजिट कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूं सूरज कुमार आपका दोस्त। जय हिंद, वंदे भारत।